हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो सेशन में हम पाइथन डिक्शनरी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि पाइथन के अंदर डिक्शनरी को किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है और किस तरह से उसमें अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। साथ में डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट को किस तरह से इंसर्ट करते हैं और डिक्शनरी के एलिमेंट को किस तरह से रिमूव करते हैं, किस तरह से डिक्शनरी को अपडेट करते हैं। डिक्शनरी पाइथन डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम। पाइथन डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड आइटम्स का कलेक्शन होता है। ईच आइटम्स ऑफ ए डिक्शनरी हैज़ ए की ऑब्लिक वैल्यू पेयर्स। डिक्शनरी के जो प्रत्येक आइटम होते हैं वो की और वैल्यू के पेयर में होते हैं। डिक्शनरी आर ऑप्टिमाइज टू रिट्रीव वैल्यूज व्हेन द की इज नोन। जब डिक्शनरी के अंदर उसकी जो की के द्वारा हम उसके जो वैल्यूज हैं उसको आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में एनिमल्स, हमने एक डिक्शनरी लिया है, उसको कर्ली ब्रैकेट से हमने डिनोट किया है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसकी जो की और उसकी वैल्यू को हमने की पेयर को इसके अंदर पुटअप किया है। अब यहाँ पे जो डॉग हमने पास किया, ये की एलिमेंट है। मैमल इसमें वैल्यूज है, स्नैक की है, देन रेप्टाइल इसकी वैल्यूज है। डिक्शनरी आर इन कर्ली ब्रैकेट्स। डिक्शनरी को हम कर्ली ब्रैकेट्स के द्वारा हम बताते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं। की वैल्यू पेयर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड की, एंड वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉलन। जो की वैल्यू का पेयर्स होता है उसको हम कोमा कोमा के द्वारा उसकी जो कोमा के द्वारा उसको सेपरेट करते हैं, और जो की और वैल्यूज होती हैं उसको हम कोलन के द्वारा उसको सेपरेट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया है डॉग और मैमल, इसको हमने इसके कोलन के द्वारा सेपरेट किया हुआ है। और यहाँ पे जो इसके जो वैल्यू पास की है, जो की और वैल्यूज है उसको हमने कोमा के द्वारा सेपरेट किया हुआ है। कीज इन द डिक्शनरी आर यूनिक एंड इम्यूटेबल। डिक्शनरी की जो की होती है वो यूनिक होती है और इम्यूटेबल होती है। मतलब की को आप इसमें डिक्शनरी के अंदर चेंज नहीं कर सकते, वो हमेशा यूनिक होगी। डिक्शनरी होल्ड्स टू आइटम इन पेयर्स इंस्टेड ऑफ सिंगल आइटम। डिक्शनरी जो हम डिक्शनरी यूज़ करते हैं वो टू आइटम्स को के पेयर को होल्ड करता है। जो हम किसी सिंगल आइटम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ये जो पेयर के अंदर उस आइटम को होल्ड कर रहा है। दिस इज लाइक ए रियल लाइफ डिक्शनरी। यू कैन सर्च फॉर ए वैल्यू इफ यू नो द की। जैसे हम रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। अगर मान लो कि किसी वैल्यू को आपको सर्च करना है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू को सर्च करने के लिए हम जानते हैं कि उसकी जो उसके लिए हमने की लिया है ना, की एलिमेंट के थ्रू हम उसको सर्च करेंगे। जब भी जैसे हम लोग रियल लाइफ में क्या करते हैं, डिक्शनरी के अंदर अगर किसी वर्ड को सर्च करना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको उस वर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, उस डिक्शनरी के अंदर सर्च करते हैं। तो वैसे ही इसमें डिक्शनरी के अंदर अगर आपको उस वैल्यू की पता है तो आप उसको आसानी से सर्च कर सकते हैं। वन की कैन नॉट हैव टू वैल्यू। किसी भी एक की दो वैल्यू नहीं हो सकती है। जैसे यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी लिया है डिक्स वन, और यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर हमने की एलिमेंट ले लिया है, उसकी वैल्यू पास की है,
और यहाँ पे हमने दो की एलिमेंट लिया है, उसकी अलग अलग वैल्यू पास की है। तो किसी भी की एलिमेंट के अंदर दो वैल्यू नहीं पास कर सकते हैं। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो जो इसका आउटपुट डिस्प्ले होगा, इसने जो उसका सेकेंड वाली जो की एलिमेंट जो वैल्यूज़ लिए उससे उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। जो आगे हमने की पास किया था, की के साथ में पास किया था, उसको उसने एग्जेम्प्ट कर दिया। द वैल्यू ऑफ वन इज नाइन नॉट फोर। जो वैल्यू हमने पास किया था वन, यहाँ पे फोर भी है और नाइन भी है, तो इसने इसकी वैल्यू को नाइन प्रिंट कर दिया है। क्रिएटिंग डिक्शनरी इन पाइथन। क्रिएटिंग ए डिक्शनरी इज ए सिंपल एज प्लेसिंग आइटम इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमा। जब किसी डिक्शनरी को हम क्रिएट करते हैं तो उसको को क्रिएट करना आसान है। उसको हम आसानी से उसको जो कर्ली ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसको हम जो कॉमा होते हैं उसके द्वारा हम उसको सेपरेट करते हुए उसको क्रिएट कर सकते हैं। एन आइटम हैज़ ए की एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू दैट इज एक्सप्रेस्ड एज ए पेयर की कॉलन वैल्यू। इसमें जो हम आइटम को डिफाइन करते हैं, उस आइटम को हम की और उसके जो करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होती है, वैल्यू को हम जो वैल्यू हम पास करते हैं उसको हम वैल्यू के द्वारा उसको उसके पेयर के अंदर की और वैल्यू के द्वारा हम उसको डिफाइन करते हैं। मतलब जैसे आपको कोई आइटम को डिफाइन करना है तो हम उसका की और वैल्यू का पेयर लेके उसको डिफाइन करेंगे। वाइल द वैल्यू कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप एंड कैन रिपीट, की मस्ट बी म्यूटेबल टाइप लाइक स्ट्रिंग, नंबर्स और टपल विथ इम्यूटेबल एलिमेंट एंड मस्ट बी यूनिक। जब हम किसी वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं तो ये किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो आप उसको स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं और टपल भी ले सकते हैं, और ये जो वैल्यू होती है वो रिपीट भी हो सकती है। लेकिन जो हम की डिफाइन करते हैं ये हमेशा क्या होती है, इम्यूटेबल टाइप का होता है। इम्यूटेबल मीन्स उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते और ये हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा, मतलब उसका रिपीटेशन बार बार नहीं होगा। तो ये भी हम स्ट्रिंग, नंबर और टपल्स के साथ में हम इसको इम्यूटेबल एलिमेंट के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, और जो की है वो हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी। तो जो इसमें हम जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो म्यूटेबल होगा, मतलब वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं लेकिन की हमेशा क्या होगी, इम्यूटेबल और यूनिक होगी। नाउ सी द एग्जाम्पल। सबसे पहले हम देखते हैं एम्प्टी डिक्शनरी। जैसे यहाँ पे पास किया माई अंडरस्कोर डिक्स्ट, इसमें हमने कर्ली ब्रैकेट ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट पास कर दिया, तो ये हमेशा एम्प्टी डिक्शनरी होगी। इसमें एम्प्टी डिक्शनरी को हमने डिफाइन किया है। इंटीजर की, या इसको बोले डिक्शनरी विथ इंटीजर की, यहाँ पे हमने माई अंडरस्कोर डिक्स्ट यूज किया है। इसमें हमने डिफाइन किया कि जो की है, ये की डिफाइन की है, वन एंड टू की है, ये इंटीजर की है, और ये जो हमने पास किया इसकी वैल्यू एप्पल एंड बॉल, ये हमने इसके साथ में इसकी स्ट्रिंग वैल्यू पास की है। तो ये जो की है वो इंटीजर टाइप की है। इस तरह से भी आप इसको डिक्शनरी को डिफाइन कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। डिक्शनरी विथ मिक्स्ड की, डिक्शनरी को मिक्स की के साथ में यूज करते हैं। यहाँ पे माई डिक्शनरी, हमने माई अंडरस्कोर डिक्स्ट हमने एक वेरिएबल ले लिया है और इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने डिफाइन किया है। इसमें हमने जो नेम है, नेम ये की है, और जो इसकी वैल्यू पास की है दीपक, ये वैल्यू है। फिर यहाँ पे हमने वन जो पास किया वो की है, और उसकी जो वैल्यू है हमने ये लिस्ट एलिमेंट पास किया है। तो ये जो डिक्शनरी हमने डिफाइन किया है इसमें मिक्स्ड की को यूज़ किया है। यहाँ पे ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे ये इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर की है। फिर यूजिंग डिक्स्ट कीवर्ड का हम यूज करेंगे।
माई अंडरस्कोर डिक्स हमने एक डिक्शनरी वे के लिए वेरिएबल लिया है, और यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेकेट नहीं लगाया, कर्ली ब्रेकेट के साथ में हमने यहाँ पे डिक्स कीवर्ड का यूज़ किया है। अब इसमें हमने इसकी वैल्यू पास कर दी है, यहाँ पे भी हमने की एलिमेंट लिए देन वैल्यू लिया देन की एलिमेंट लिया है उसके साथ में वैल्यू पास किया है। फ्रॉम सिक्वेंस हैविंग ईच आइटम एज पेयर, जो है इसको हम सिक्वेंस के साथ में हम उसके जो पेयरिंग के साथ में बताएंगे। जैसे यहाँ पे पास किया है डिक्स कीवर्ड पास किया है, यहाँ पे हमने अलग अलग उसकी वैल्यू पास की है, की के साथ में उसकी वैल्यू है, देन यहाँ पे की पास की है उसकी वैल्यू पास की है, और इसको हमने एक सिक्वेंस के साथ में हमने वैल्यू पास किया है। जैसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास किया है, देन उसके बाद में हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट के साथ क्लोज किया, और लास्ट में हमने इसको सर्कुलर ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, और इसके आगे हमने डिक्स्ट कीवर्ड का यूज़ किया है। क्रिएट ए डिक्शनरी यूजिंग द बिल्ड इन डिक्स्ट की फंक्शन। हम जब डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं तो हम डिक्स फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिक्स फंक्शन का यूज़ किया है और यहाँ पे भी डिक्स फंक्शन का यूज़ किया हुआ है। नाउ सी इन पाइथन सेल, सबसे पहले हम एक डिक्शनरी लेंगे, माई अंडरस्कोर डिक्स्ट, हमने एक डिक्शनरी क्रिएट किया है। इसके अंदर अभी शुरू में हम इसकी जो वैल्यू है वो एम्प्टी पास करेंगे, प्रिंट करके देखते हैं। ओके, एम्प्टी डिक्शनरी है। अब इसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पास करेंगे हम। सबसे पहले की एलिमेंट लिया देन उसके साथ में उसकी वैल्यू पास कर दी, अगेन की एलिमेंट देन उसकी वैल्यूज पास करेंगे। डिक्शनरी को क्लोज कर देते हैं, प्रिंट करेंगे इसको। इसमें हमने इंटीजर वैल्यू पास की है, इंटीजर को हमने जो इंटीजर वैल्यू इंटीजर लिया है वो की एलिमेंट है, और जो वैल्यूज पास की है वो स्ट्रिंग वैल्यूज है। तो अगेन हम इसमें वैल्यू पास करेंगे, इसमें की एलिमेंट अब स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। इसको हम जो कॉलन है की और जो उसकी वैल्यू है इसको हम कॉलन से सेपरेट करेंगे, उसके बाद अगर नेक्स्ट जो की एलिमेंट पास करना है पास कर दिया हमने, इसमें इंटीजर ले लिया है की, और यहाँ पे हमने लिस्ट आइटम पास कर दिया है। इस डिक्शनरी को क्लोज कर देते हैं, अगेन इसको प्रिंट करेंगे। इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब डिक्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, अगेन ले लिया हमने माई अंडरस्कोर डिक्स्ट, एक डिक्शनरी वेरिएबल लिया इसके अंदर पास कर दिया हमने डिक्स्ट पास किया है, फिर सर्कुलर ब्रैकेट इसके अंदर हमने पास कर दिया कर्ली ब्रैकेट, देन यहाँ पे पास किया है वन, इसको सेपरेट करेंगे।
क्लोज करेंगे। ने डिस्ट कीवर्ड को जो हमने यूज किया था इसको डिस्ट का जो आउटपुट है वो प्रिंट कर दिया है। फिर अगेन हम एक बार फिर से इसको डिफाइन डिक्लेयर करेंगे माय डिस्ट, यहाँ पे डिस्ट कीवर्ड की यूज करेंगे, देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट, ये सर्कुलर ब्रैकेट है, देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट उसमें पास कर देते हैं, फिर अगेन स्क्वायर ब्रैकेट 1, सिंगल कोट में पास कर देते हैं उसकी वैल्यू, फिर सेपरेट करेंगे, हमें पास किया 2 जिसकी जो की पास की उसके बाद उसकी वैल्यू, क्लोज करेंगे, देन स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, देन उसके बाद फिर सर्कुलर ब्रैकेट लगाएंगे, तो प्रिंट करेंगे। ये इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। एक्सेसिंग एलिमेंट फ्रॉम डिक्शनरी। व्हाइल इंडेक्सिंग इज यूज्ड विद अदर डेटा टाइप टू एक्सेस वैल्यू ए डिक्शनरी यूज की कीज। जब हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं किसी अदर डेटा टाइप्स के साथ में, तो जो उसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम डिक्शनरी के अंदर की का यूज करते हैं। की कैन बी यूज्ड आइदर इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट और विद द गेट मेथड। की को का उपयोग हम या तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में करते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ पास करते हैं, या फिर हम उसके साथ में गेट मेथड का यूज करते हैं। जब भी किसी वैल्यू को आपको रिट्रीव करना होता है तो हम इसमें की को पास करते हैं। If we use the square bracket, key error is rise in case a key is not found in the dictionary. जब हम square bracket का use करते हैं और अगर dictionary के अंदर कोई key नहीं मिलता है तो उस case में हमको एक key error मिलेगी या कोई error generate होके हमें मिलेगा, उसको हम key error कहते हैं। On other hand, the get method returns the none if the key is not found. हम दूसरे तरीके से देखते हैं, अगर हम get method का use करेंगे तो get method none को return कर देगा। अगर मान लो कि उसके अंदर अगर dictionary के अंदर key नहीं मिलता है तो उस case में हमको get method none return करेगा। Now see get function versus square bracket for indexing retrieving the elements. Now एक डिक्शनरी लेते हैं, my underscore dict, एक डिक्शनरी लिया, इसमें हमने key element पास किया नेम और एज और वैल्यू पास कर दिया इसमें अभी एंड 15, ये वैल्यू पास की है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो अभी हमने जो नेम पास किया है इसको किस तरह से हम इसमें फाइंड करेंगे। तो हमने लिया प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया है, हमने माय डिक्स्ट पास किया है और इसको जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने उसका जो की एलिमेंट है वो पास कर दिया है। तो जब आप इसको पाइथन सेल के ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको जो आउटपुट है अभी मिलेगा इसका आउटपुट। फिर आप देखते हैं कि इसका आउटपुट 15 कैसे आएगा। तो इसके लिए जो 15 है इसका जो की वैल्यू है, की है इसमें एज, इसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट माय
दिस डॉट गेट मेथड का यूज़ किया है, इसमें पास कर दिया है इसमें की जो एज इसको पास की है। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे पाइथन सेल में तो इसका जो आउटपुट है वो 15 मिलेगा। ट्राइंग टू एक्सेस द की विच डज नॉट एक्सेस थ्रू एरर, हम वो देखते हैं कि अगर मान लो कि कोई की है अगर वो उसमें जो आप डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर अवेलेबल नहीं है तो उसका उस केस में क्या होगा कि उसको जो उसका आउटपुट नन वो किस केस में आता है देखते हैं। तो हम इसमें पास करेंगे प्रिंट माई डिस्क डॉट गेट गेट, और इसमें एड्रेस हमने की यूज़ किया है, एड्रेस की इसमें अवेलेबल नहीं है तो ये जो है गेट फंक्शन के साथ यूज़ कर रहे हैं इसलिए ये नन इसको दे देगा। और अगर यदि हम इसको प्रिंट माई अंडरस्कोर डिस्ट और इसको इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास करेंगे तो उस केस में ये की एरर देगा। पाइथन सेल पे गेट और इंडेक्स जो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज करते हैं उसके थ्रू हम एलिमेंट को रिट्रीव करके देखेंगे। तो सबसे पहले एक डिक्शनरी ले लेते हैं, इसका नाम है माई अंडरस्कोर डिक्स्ट। पहले एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, उसकी वैल्यू भी असाइन कर देते हैं। नेम की एलिमेंट लिया है और इसकी वैल्यू पास कर देते हैं अभी, और साथ में पास कर देते हैं एक की एलिमेंट एज, इसको पास कर देते हैं 15। इसको प्रिंट करके देखते हैं, ओके ये डिक्शनरी की वैल्यू को इसने प्रिंट कर दिया। अब इसमें अगेन पास करते हैं माय अंडरस्कोर डिक्स्ट, अब इसमें हम की एलिमेंट पास करेंगे। सपोज हमने पास किया नेम, तो इसने इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। फिर अगेन हम पास करते हैं की एलिमेंट के लिए, इसमें पास कर दिया हमने एज, तो इसको एज को प्रिंट कर देगा। अब हम गेट मेथड का यूज करेंगे, माई अंडर स्कोर डेक्स डॉट गेट, इसमें पास कर देते हैं नेम, तो इसने इसको प्रिंट कर दिया। वैसे हम एज के लिए भी लेंगे, तो ये एज की वैल्यू को भी प्रिंट कर देगा। अब हम कोई ऐसा एलिमेंट ऐसा या की ऐसे की को सर्च करते हैं जो इसमें एग्जिस्टिंग नहीं है, डॉट गेट। मान लो कि मैंने एड्रेस को सर्च किया, इसमें गेट मेथड के थ्रू सर्च कर रहे हैं तो जब इसको प्रिंट करेंगे हम माई अंडर स्कोर डेक्स्ट, एक्चुअली जो हमने गेट मेथड का यूज किया था उसने उसकी वैल्यू को नन रिटर्न कर दिया। इसको चेक करके देखते हैं, प्रिंट माई अंडर स्कोर डेक्स्ट डॉट गेट एड्रेस पास कर दिया, क्लोज कर देते हैं तो नन रिटर्न कर दिया। और यदि हम इसमें इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास करते हैं
print my underscore dext, और इसको पास करेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये एरर दे देगा क्योंकि एड्रेस जो की एलिमेंट है वो इस डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल नहीं है। चेंजिंग एंड एडिंग डिक्शनरी एलिमेंट। नाउ डिक्शनरी आर म्यूटेबल, डिक्शनरी म्यूटेबल होती है, जो डिक्शनरी की जो हम वैल्यूज होती है उसको चेंज कर सकते हैं। वी कैन एड ए न्यू आइटम और चेंज द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग आइटम यूजिंग एन असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर हमको कोई डिक्शनरी के अंदर कोई एलिमेंट को हमको ऐड करना है या उसकी वैल्यू को चेंज करना है, तो हम उसको जो एग्जिस्टिंग आइटम है उसके अंदर हम असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में उसको पास करेंगे या उसकी वैल्यू को पास करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में। इफ द की इज ऑलरेडी प्रेजेंट देन द एग्जिस्टिंग वैल्यू गेट्स अपडेटेड। अगर मान लो कि की उसके अंदर क्या है पहले से ही इसमें प्रेजेंट है, तब हम उसकी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको हम अपडेट करेंगे। मतलब एग्जिस्टिंग की है तो हम उसकी वैल्यू को अपडेट करते जाएंगे, क्योंकि जो वैल्यू है वो म्यूटेबल होता है तो उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन की को हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। इन केस द की इज नॉट प्रेजेंट, ए न्यू की एंड वैल्यू पेयर इज एडेड टू द डिक्शनरी। अगर मान लो कि जब डिक्शनरी के अंदर की एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि उसमें हम जो न्यू है मतलब जो न्यू पेयर को इसमें ऐड करेंगे उसमें होगा उसकी हम की को भी इंटर करेंगे और साथ में उसकी वैल्यू को भी डिक्शनरी के अंदर ऐड कर देंगे। चेंजिंग डिक्शनरी एलिमेंट। हमने माई अंडरस्कोर डेस्ट एक डिक्शनरी लिया है, इसके अंदर हमने की एलिमेंट नेम और एज पास कर दिए। अब इसकी जो वैल्यू है उसको हम चेंज करते हैं माई अंडरस्कोर डेस्ट, इसके अंदर हमने जो की एलिमेंट पास किया एज, इसकी वैल्यू असाइन कर दी है, उसको हम अपडेट करेंगे। और उसके बाद अपडेट करने के बाद में हम उस डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे माई अंडरस्कोर डिस्ट को प्रिंट मेथड के थ्रू। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये जो वैल्यू है इसकी जो एज पहले एग्जिस्टिंग था वो 15 था, उसको रिप्लेस करके ये 18 कर देगा। तो इस तरह से हम जो डिक्शनरी की जो वैल्यूज़ होती है उसको चेंज कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। एडिंग डिक्शनरी एलिमेंट। पहले हम डिक्शनरी के एलिमेंट लेते हैं। मान लो कि एग्जिस्टिंग जो डिक्शनरी है या डिक्शनरी जो हमने लिया है माई अंडरस्कोर डिस्ट, इसके अंदर पास कर दिया हमने उसकी की एलिमेंट और साथ में उसकी वैल्यूज पास कर दिए। अब इस डिक्शनरी के अंदर हम एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे माय अंडरस्कोर डिस्ट, एक सिटी हमने की एलिमेंट लिया है, इसके अंदर उसकी वैल्यू हमने पास कर दी इंदौर। तो जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे देन इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे माय अंडरस्कोर डिस्ट, जब इसकी वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे तो ये एलिमेंट इसके साथ में ऐड हो जाएगा कि ये एलिमेंट हमने इसमें पास किया था जो इसके साथ में ऐड हो गया है। यस, इस तरह से हम डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर डिक्शनरी के एलिमेंट को चेंज और ऐड करके देखते हैं, तो सबसे पहले एक डिक्शनरी लेते हैं, डिक्शनरी ले लिया, अब इस डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं। ये
डिक्शनरी की वैल्यू को उसने प्रिंट कर दिया। अब इसमें चेंज करेंगे हम माई अंडर स्कोर डिस्ट, और उसके साथ में पास कर देंगे हम जो एज है, एज के अंदर चेंज करना है, और यहाँ पास कर दिया हमने 18। वापस प्रिंट करेंगे माई अंडर स्कोर डेक्स्ट। ओके, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे एग्जिस्टिंग वैल्यू पहले 15 थी, उसको हमने रिप्लेस कर दिया 18 से, जो कि एलिमेंट 18 से अपडेट हो गया। अब इसके अंदर हम कोई एलिमेंट ऐड करेंगे माई अंडर स्कोर टेक्स्ट, यहाँ पास कर दिया, इसमें हम पास करते हैं सिटी। सो पास कर दिया इंदौर। प्रिंट कर देते हैं माय अंडरस्कोर तो ये जो है, जो हमने पास किया था सिटी जो की ली थी उसकी जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दिया। स्टेशनरी के अंदर ये एलिमेंट ऐड हो गया है। रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम डिक्शनरी, वी कैन रिमूव ए पर्टिकुलर आइटम इन ए डिक्शनरी बाय यूजिंग द पॉप मेथड। पॉप मेथड का यूज करके हम किसी पर्टिकुलर आइटम को डिक्शनरी से रिमूव कर सकते हैं। दिस मेथड रिमूव्स एन आइटम विद द प्रोवाइड की एंड रिटर्न द वैल्यू। इस मेथड के द्वारा जो भी की हम प्रोवाइड करेंगे वो उसको रिमूव करेगा और साथ में उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। द पॉप आइटम मेथड कैन बी यूज्ड टू रिमूव एंड रिटर्न द आर्बिट्री की वैल्यू आइटम पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी। जब पॉप आइटम मेथड का हम यूज करते हैं तो वो उसको रिमूव, जिस आइटम को वो रिमूव करता है उस आइटम की की और वैल्यू दोनों को ये उसी आइटम के पेयर में रिटर्न कर देता है। मतलब ये पॉप आइटम जिस भी आइटम को रिमूव करेगा उसकी की और उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। ऑल द आइटम्स कैन बी रिमूव एट वंस यूजिंग द क्लियर मेथड। क्लियर मेथड का यूज करके हम सारे के सारे आइटम को एक बार में ही हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि जो क्लियर मेथड के द्वारा हम जो डिक्शनरी के सारे आइटम को एक बार में ही रिमूव कर सकते हैं। वी कैन आल्सो यूज द डेल कीवर्ड टू रिमूव द इंडिविजुअल आइटम्स और द इंटायर डिक्शनरी इटसेल्फ। हम इसमें डेल कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं जिसके द्वारा हम उसके जो डिक्शनरी के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी रिमूव कर सकते हैं और साथ में हम डिक्शनरी को पूरी की पूरी भी हम उसमें रिमूव कर सकते हैं। नाउ सी द एग्जांपल, रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम ए डिक्शनरी। नाउ सबसे पहले क्रिएट ए डिक्शनरी, हम एक डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी स्क्वेयर्स ले लिया, इस डिक्शनरी को क्रिएट किया, उसके एलिमेंट की और उसके साथ में उसकी वैल्यू पास कर दिए। रिमूव ए पर्टिकुलर आइटम एंड रिटर्न इट्स वैल्यू। अब इसमें से किसी पर्टिकुलर आइटम को हम इसमें से रिमूव करेंगे। जैसे यहाँ पे लिया प्रिंट स्क्वेयर्स डॉट पॉप, पॉप मेथड का यूज़ किया है और यहाँ पे हमने जो है की एलिमेंट पास किया है, तो की एलिमेंट यहाँ पर 4 पास किया है। तो यहाँ पे जो 4 है, 4 की एलिमेंट है, उसकी जो वैल्यू है 16, ये इसको रिमूव करेगा। तो जब इसको रन करेंगे तो इसका आउटपुट हमें ये मिलेगा।
इसका आउटपुट 16 होगा, क्योंकि जो की एलिमेंट है उसकी वैल्यू 16 है। और जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो ये रिमेनिंग एलिमेंट को यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। रिमूव एन आर्बिट्री आइटम्स रिटर्न की कॉमा वैल्यूज। अब इसमें हम आर्बिट्री आइटम को रिमूव करेंगे, इसके लिए हम प्रिंट स्क्वायर डॉट पॉप आइटम मेथड का यूज़ किया है। तो जब आप इस पॉप आइटम मेथड का यूज़ करेंगे तो इसका जो लास्ट एलिमेंट है, जैसे ये लास्ट एलिमेंट है उसको ये रिमूव कर देगा, साथ में उसकी और उसकी जो वैल्यू दोनों को रिटर्न करेगा। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे, डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे, तो ये इसके रिमूव जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है डिक्शनरी के उसको प्रिंट कर देगा। रिमूव ऑल आइटम्स, डिक्शनरी के जो सारे एलिमेंट उसको डिलीट करने के लिए हम क्लियर मेथड का यूज़ करेंगे। जब क्लियर मेथड को आप यूज़ करेंगे इस डिक्शनरी के साथ, तो ये इसके एलिमेंट को रिमूव कर देगा। और जब इसकी वैल्यू आप प्रिंट करेंगे तो जो इसका आउटपुट होगा ये ब्लैंक डिक्शनरी मिलेगा आपको। डिलीट द डिक्शनरी इटसेल्फ, अब डिक्शनरी को हम इसमें रिमूव करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे डेल, और इसके बाद में डिक्शनरी का जो भी डिक्शनरी को आप रिमूव करना चाहते हैं उसको पास करेंगे। तो ये इसको रिमूव कर देगा। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये एरर मैसेज देगा, क्योंकि ये डिक्शनरी ऑलरेडी यहाँ से डिलीट हो गई है। और जब ये डिक्शनरी यहाँ से रिमूव हो गई है तो इसका जो एरर होगा वो इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा, ये एरर मैसेज जाएगा क्योंकि डिक्शनरी रिमूव हो चुकी है और हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, वो एग्जिस्टिंग उसका जो एग्जिस्टेंस है वो है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया है डिक्शनरी का। डिक्शनरी के एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले एक डिक्शनरी लेते हैं। ये इसका एक डिक्शनरी ले लिया, इसको प्रिंट करके देखते हैं। ओके, डिक्शनरी के एलिमेंट जो है डिस्प्ले हो गए। अब इसमें सबसे पहले हम इसके पॉप ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। स्क्वायर्स डॉट पॉप, अब इसमें हम जो की एलिमेंट है वो 4 पास करते हैं। ओके, तो ये जो की एलिमेंट हमने पास किया था 4, इसने इसकी जो वैल्यू है 16 को रिमूव कर दिया है। उसको प्रिंट करेंगे, तो ये जो डिक्शनरी की जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो डिस्प्ले हो गए। अब इसके बाद हम लेते हैं पॉप आइटम लेते हैं, तो जैसे ही आपने पॉप आइटम लिया इसने जो इसके जो लास्ट का एलिमेंट है उसको इसको रिमूव कर दिया है। जब इसके रिमेनिंग वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे तो इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। अब क्लियर मेथड का यूज करेंगे इसमें, डॉट क्लियर, इसको प्रिंट करते हैं। ओके, तो क्लियर का यूज करने से इसके जो सारे एलिमेंट है वो इसमें से रिमूव हो गए, इसलिए एम्प्टी बता रहा है, अब डिक्शनरी एम्प्टी हो गई। फिर अब इस डिक्शनरी को हम डेल कीवर्ड के थ्रू
रिमूव करते हैं। अब इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, प्रिंट एस स्क्वायर्स, तो ये एरर दे देगा क्योंकि जो डिक्शनरी वो रिमूव हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पाइथन से रिलेटेड और भी कोई आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग पे भी विजिट कर सकते हैं, dbgyan.wordpress.com, dbgyan.school.blog। अगर आपको आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप हमारे वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपनी क्वेरी भी उसमें पुटअप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप हमें दे सकते हैं। थैंक यू।